गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया भाई बहुत ही ज़्यादा था। मतलब तुम लोगों ने यार ऑलमोस्ट 300 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। हो जाएंगे, जब तक क्या पता मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो हो जाएंगे क्या पता। और एक भाई कह रहे थे भाई वीडियो जल्दी जल्दी डाला करो, तो ब्रो मैं रेगुलर हूँ, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ और हाँ ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। और अल्टीमेट्रिक्स वाली वीडियो का काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि वेट कर रहे हैं, तो भाइयों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो है 31 जुलाई को मेरी बर्थडे है, ठीक है, तो उस दिन से पहले 2 महीने हैं अभी या 1 महीना जितने भी हैं, उस दिन से पहले अगर मेरे 1K हो जाते हैं तो मैं अल्टीमेट्रिक्स वाली वीडियो बनाऊँगा विद फेस रिवील वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में दो दो चीज़ें, तुम्हें अच्छे सिनेमैटिक्स देखने को मिलेंगे उसमें, अच्छी एडिटिंग और कुछ और भी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ जल्दी जल्दी करवा देना 1K, और जितने तेज से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं हम लोग जल्दी 1K पे होंगे। तो यार तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो ओमनीवर्स के सीज़न 8 की लास्ट एपिसोड्स हैं, 2 एपिसोड्स, यानी कि ओमनीवर्स जब एंड होने वाला था उसकी सेकेंड लास्ट एपिसोड्स, उसको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आ रही होगी, देख लेना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एपिसोड 79 की शुरुआत होती है जिसका नाम है एंड ऑफ एन ईरा, और इसके अंदर में दिखाया जाता है ओमनीट्रिक्स वाला बेंटन जो कि काय के साथ था और वो लोग एनिमो के पीछे पड़े थे। अब एनिमो एक रूम में जाता है और अपने मेंढक छोड़ जाता है पीछे म्यूटेंट्स, और उनको बेन और काय हरा के अंदर जाते हैं। तो डॉक्टर एनिमो एक टेलीपोर्टर मशीन में जाता है जहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते थे, फ्यूचर पास्ट में जा सकते थे, तो वहाँ पर जाके एनिमो बोलता है कि मैं तुम्हारे अतीत में जाऊँगा और ब्ला 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 ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, और वो वहाँ से टेलीपोर्ट करता है। लेकिन टेलीपोर्ट करते ही वापस आ जाता है और उसके साथ होता है स्पैनर। अब यहाँ पे काय कहती है कि तुम काफ़ी टाइम से गायब थे, हमने तुम्हें देखा नहीं। स्पैनर कहता है मैं बहुत बिजी रहता हूँ यार, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो स्पैनर कहता है कि सुने ग्रैंडपा मैक्स रिटायर होने वाले हैं आज, और बेंटन हाउसन कहता है कि हाँ यार आज जाना था लेकिन मेरा बेटा अभी तक तैयार नहीं हुआ, और उसको कैन को आवाज़ देता है। लेकिन उसी टाइम स्पैनर वहाँ से गायब हो जाता है। अब कैन आता है अपनी वॉच के साथ, यानी कि अपनी ओमनीवर्स वाली वॉच के साथ, लेकिन काय छीन लेते और कहती है कि नहीं भाई अभी नहीं पहनने देनी, तुम पे अभी भी रोक टोक लगी हुई है। अब वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं डॉक्टर एनिमो के साथ। अब वो चारों होते हैं प्लमर बेस में टेलीपोर्ट, जो कि था स्पेस के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं, लाइक बहुत सारे, यानी कि हम लोगों को जितने भी लोग दिखाए गए थे ओमनीवर्स में, जैसे कि तुम देख सकते हो ये वाले भाई साहब, ये वो फेक वाला बेंटन, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो हम लोगों को दिखाए गए थे, वो सब आए थे ग्रैंडपा मैक्स जब रिटायर होने वाले थे उसके फंक्शन पे, ऐसा ही कुछ। अब यहाँ पे आती बेन को मिलता है रुक, जो कि ग्रैंडपा मैक्स की जगह आने वाला था, लेकिन रुक कहता है कि मैं उनकी सीट नहीं संभाल सकता। अब बेन रुक को कुछ बात बताने वाला होता है, लेकिन कहता है भाई यार तुम मतलब मुझे पागल बनाना कभी बंद नहीं करने वाले हो। तो रुक कहता है कि मेरी मजाक की आदत कभी नहीं जाएगी। अब वहाँ से ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और बेन कहता है कि मुझे पता है कि इन्विटेशन कार्ड में लिखा था नो गिफ्ट्स, लेकिन मैं गिफ्ट्स के बगैर नहीं आ सकता था, और वो एनिमो को कहता है कि ये है आपका गिफ्ट। तो एनिमो कहता है कि मैक्स तुम रिटायर हो रहे हो, तुम्हारे बिना ये जगह बहुत फीकी फीकी सी लगेगी। और ग्रैंडपा मैक्स एनिमो को कहते हैं तुम जैसा कि जैसा अपना कमरा छोड़ के गए थे वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे केविन भी आ जाता है, और हम लोगों को यही लगा कि जैसे हमें क्लासिक के एपिसोड में दिखाया गया था कि केविन को नल वर्ल्ड में वापस भेज दिया था बेंटन थाउजेंड ने, तो हाँ हमें भी ऐसे लगा कि ये लड़ेंगे, लेकिन वो लोग फिर से अच्छे दोस्त बन चुके थे ग्वेन की वजह से, क्योंकि ग्वेन इनका झगड़ा हमेशा ख़त्म करवा देती है। तो जो केविन है वो रुक का पुराना काम संभालने वाला, क्योंकि रुक वहाँ का पुराना इंचार्ज था, तो अब केविन इंचार्ज होने वाला था। और ग्वेन ने अपनी डॉक्टरी 2 बार ख़त्म कर ली। कौन होते हैं ये लोग, इतने पढ़ाकू कौन होता है यार। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक आरजेट आ जाता है जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था अर्थ का। अब सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाई जाती है सबडोरा जो कि एक चीज़ को चुराने के लिए आई थी इसी वाले प्लमर बेस में, और ऊपर था मेल्ट्रेंट जो कि मोस्ट खतरनाक विलन्स में से एक है। अब उसके साथ था अपना स्कर्ल राइनो, जो भी नाम है इसका बंदे का। अब मेल्ट्रेंट सब डोना को कहता है कि यहीं पर रुको, जब मैं बोलूं तभी जाना उस चीज़ को चुराने के लिए। तो आर्चिट कहता है कि मैं भले ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए पुराने वाला आर्चिट हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी देर तक क्या होता है कि एक सायरन बजता है और रुक कहता है कि एक रेडिएशन ने सब कुछ बंद कर दिया है, यानी कि ग्रेविटी और लाइट दोनों चली गई है। अब ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। अब रुक ग्रैंडपा मैक्स को कहते हैं कि लाइफ सेवर मोड भी ऑफ हो चुका है, और केविन आके कहता है कि हम लोगों को इन लोगों से
ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात भी छुपा लेनी चाहिए। अब दूसरी तरफ सब डोना वहाँ पे जाती है उस चीज को चुराने के लिए और वो सारे लॉकर खोल के देखती है और उस लॉकर में से एक में से उसे वो चीज मिल जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मैं नीचे जाकर देखता हूँ और सारे के सारे हैंडल्स को रीसेट करता हूँ जिससे सब कुछ वापस ऑनलाइन आ जाएगा और तुम यहाँ पे इन सबको हैंगर डिक की तरफ लेकर जाओ, यानी कि नीचे की तरफ जहाँ पे कुछ स्पेस क्राफ्ट थे जिसके अंदर ये बैठ के यहाँ से निकल सके। यहाँ पे सब डोना मेल्ट्रेट को कहती है कि मुझे अनायर लार्क मिल चुका है लेकिन ये स्टार कॉल नकली है। वहां पे मेल्ट्रेट कहता है कि ये क्या बात कर रही हो, मतलब मैंने उसको फील किया था कि वो यहीं पे है और वो दोबारा से देखने लगता है कि आखिर वो कहां से उसकी रेडिएशन आ रही है जिसे मैं फील कर सकूं। और उसी टाइम ग्वेन को भी पता चल जाता है कि मेल्ट्रेट ऊपर है स्टेशन पे और वो किसी चीज को ढूंढ रहा है। यहाँ पे बेन कहता है वो जो भी ढूंढ रहा हूँ मैं उसकी बहुत जम के पिटाई करने वाला हूँ और बेन और काय ऊपर चले जाते हैं और ग्वेन केविन को बुलाने चली जाती है। अब क्लॉकवर्क उसे कहता है कि वो मुझे मिल चुका है, वो हैंगर डिक की तरफ है, तुम वहां पर जाओ और मेरे कमांड पे ही जाना। अब उधर से सब डोना कहती है कि यहाँ पे मैक्स टेनिसन आ रहा है और वो छुप जाती है लेकिन वो देख लेती है कि एनिमो का चैम्बर भी मेरे बिल्कुल साइड पे ही है और वहां पे वो एक गैजेट लगा देती है जिससे वो चैम्बर खुल जाता है और वहां पे ग्रैंडपा मैक्स और एनिमो में फाइट होती है लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे हरा देते हैं और वापस उसके चैम्बर में बंद कर देते हैं। वहां दूसरी तरफ केन सबको हैंगर डिक की तरफ भेज रहा होता है लेकिन वहां पे राइनो आ जाता है। वहां दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स सारे हैंडल्स को रीसेट कर देते हैं और ऑक्सीजन और लाइट वापस आ जाती है जिससे क्या होता है कि एक्सक्रल नीचे गिर जाता है और केन जो है वो हैंगर डिक की तरफ चला जाता है। अब क्लॉकवर्क एक्सक्रल को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, मैंने तुम्हें बोला था कि हैंगर डिक की तरफ को है स्टार को। दूसरी तरफ ग्वेन वहां पे एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर देती है जिससे कि कोई बाहर वाला अंदर ना आ सके और अंदर वाला बाहर ना जा सके लेकिन मेल्ट्रेट तो पहले ही अंदर था उस शील्ड के और मेल्ट्रेट तीन तीन हो जाता है क्योंकि वो कह रहा था कि मैं हर जगह नहीं हो सकता लेकिन मैं बार बार टाइम शिफ्ट करूं तो मैं हर जगह हो सकता हूं। अब वहां पे बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा होता तो बेन पूछते हैं ये क्या है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो ग्वेन कहती है कि शायद इस सोलो फ्लेयर ने इसको लॉक कर दिया है वॉच को। तो बेन कहते हैं कि ये भी तो एक घड़ी है, ये लॉक क्यों नहीं हुआ। तो मेल्ट्रेट कहता है कि मैं उस टाइम से बाहर हूं इसलिए मेरे पास पावर्स हैं। तो ग्वेन कहती है मेरे पास भी लेकिन उस पर कोई अटैक का असर ही नहीं होता। मेल्ट्रेट अपनी टाइम पावर्स को यूज करता है और उन्हें हरा रहा होता है लेकिन बेन जैसे ही थोड़ा सा दूर जाता है तो बायोमेट्रिक्स काम करना स्टार्ट कर देता है और वो बनता है एटॉमिक एक्स और उस पे अटैक करता है। वहां दूसरी तरफ एक्सोस्केल मिस्टर प्रेसिडेंट के पीछे पड़ा हुआ था यानी कि आरजेट के पीछे। अब वो उसके पास आता है और आरजेट का नेकलेस उतार के उसे फेंक देता है। केविन कहता है वो तुम्हारे गहनों के पीछे पड़ा है। तो केविन आरजेट से पूछता है कि तुमने क्या किया है। आरजेट बताता है कि मैंने स्टार कोल को चोरी किया था और उसे एक नेकलेस बना डाला, मैं सिर्फ इसे खास मौके पे पहनता हूं, उससे मेरी आंखें प्यारी लगती हैं। अब एक्सोस्केल स्टार कोल को अपने बॉडी पे लगा लेता है और वो काफी पावरफुल फील करने लगता है। वो यहाँ पे रुक और केविन दोनों को हरा देता है और आरजेट यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे वो तीनों मेल्ट्रेट से लड़ रहे होते हैं लेकिन वो हार नहीं मान रहा होता। वहीं पे मेल्ट्रेट जो है एटॉमिक एक्स को बहुत जोर से हिट करता है और वो उड़ता हुआ जा रहा होता है लेकिन वहां पे स्पैनर आके उसे बचा लेता है। एकदम से स्पैनर पे जब अटैक होने वाला होता है तो बेन उसे बचा लेता है और स्पैनर उसे डैड कहता है। तो बेन उठ के कहते हैं कि क्या तुमने मुझे क्या कह के पुकारा। तो यहाँ पे रिवील हो जाता है कि केन ही स्पैनर है और स्पैनर वो इसलिए बना क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि ओमनीट्रिक्स लेने के बावजूद भी वो हीरो बनने के काबिल है और उसको वो टाइम शिफ्टर मशीन पैराडॉक्स ने दी थी। अब यहाँ पे बेन 10,000 केन को कहता है कि जाओ मदद लेकर आओ और एक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। अब केन के जाते ही मेल्ट्रेट काय बेन ग्वेन तीनों को स्टॉप कर देता है टाइम की तरफ से ही और कहता है मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम हमें बेन ओमनीवर्स दिखाया जाता है। जी हाँ, केन बेंटन ओमनीवर्स को लेने गया था। अब वो कहता है कि हार मान लो मेल्ट्रेट, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और तुम्हें पता है ऐसी सिचुएशंस में हमेशा मैं ही जीतता हूं। लेकिन मेल्ट्रेट कहता है कि हाँ लेकिन इस पर मैं जीतूंगा। और वहां पे एक्सोस्केल आ जाता है और वो कहता है बॉस ये पावर कमाल का है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल। तो मेल्ट्रेट कहता है कि हाँ तो स्टार कोल को क्या सिर्फ मैंने सजाने के लिए रखा था क्या। और सब डोना कहती है लो बॉस आपका अनायर लॉर्क। अब बेन रुक हैरान कि अनायर लॉर्क है इसके पास और उन्हें पता चल जाता है कि यूनिवर्स फिर से एक बार खतरे में है। यहाँ पे स्टार्ट होती है फाइट। यहाँ पे रुक और केन बचाते हैं सबको, यानी कि बेन ग्वेन और काय को जो कि स्पेस में उड़ रहे थे उन्हें बचाते हैं। और बेन यहाँ पे ओमनीट्रिक्स को कहता है कि कोई उड़ने वाला एलियन दो और उसे यहाँ पे मिलता है वैम्पायर। अब वैम्पायर से वो हराता है एक्सोस्केल को, वो भी डायमंड हेड की वजह से। अब यहाँ से मेल्ट्रेट अनायर लॉर्क को जोड़ लेता है और उसमें स्टार कोल भी लगा देता है और उसे उस मेल्ट्रेट क्या करता है कि केन को पकड़ लेता है और उसे भी फ्रीज कर देता है। अब वो कहता है अपने हथियार फेंक दो वरना मैं इस छुटकू को मसल दूंगा। अब यहाँ पे बेन और ग्रुप को रुकना पड़ता है और वो पूछते हैं तुम्हारा मकसद क्या है। मेल्ट्रेट कहता है कि कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हें थोड़ी देर तक पता चल जाएगा और वो काउंट करता है तीन तक। और उसी टाइम वहां पर आता है इओन। जी हाँ, इओन भाई साहब का इसमें एक और हाथ था, उसने जो है मेल्ट्रेट को टाइम बीस्ट ला कर दिया था जिससे वो टाइम में ट्रेवल कर सके। अब वो उस टाइम बीस्ट को लेकर टाइम ट्रेवल करने निकल जाता है और
और योन को उसके डायमेंशन में वापस भेज देता है और यहाँ पे एपिसोड 79 खत्म हो जाती है। तो यार देखो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, तो भाई नेक्स्ट एपिसोड को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिक्र ना करो एक दिन में वीडियो आ जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।